असल में लोग बहुत बोलते हैं कि जेन्युइन मैन्युफैक्चरर, वो आज आपको यहाँ से वीडियो देखने से ही आइडिया लग जाएगा। मैं इस टाइम हूँ GIDC में, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको बोला जाता है, और जो कि एक मेन हब है हर इंडस्ट्री के लिए। लोअर में काम करते हैं, एक्टिव वेयर में अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं जी। जो भी एक्टिव वेयर चल रहा है, स्पोर्ट्स बॉटम वेयर में हम 16 से 17 आइटम बनाते हैं। 4-5 तरह की पैंट हो गई, कुर्ती पैंट हो गई, लेस पैंट हो गई, पोटली पैंट हो गई। हमारे सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास कलर ज़्यादा है, साइजेस ज़्यादा है हमारे पास। हम लोग जैसे पोटली पैंट बनाते हैं तो उसमें 56 कलर बनाते हैं और उसमें 6 साइज बनाते हैं। तो जो वीडियो लोग बनाते हैं वो लोग भी जुड़े होंगे आपसे कि आपसे माल लेते होंगे अहमदाबाद में, ऐसे लोग भी होंगे बहुत? जी, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो हमसे माल खरीद के बेचते हैं आगे, और आगे वीडियो हमारे अहमदाबाद में डिस्ट्रीब्यूटर है, मुंबई में डिस्ट्रीब्यूटर है, दिल्ली में है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर है, जयपुर है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो जैसे मान लो कोई, अब जैसे कोविड का भी टाइम है, हर कोई कंफर्टेबल नहीं है कि यहाँ पे आकर के ले। बिल्कुल, कोई लोग को हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। जी 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 जी, उनके एरिया के आसपास में जो भी हमारा होलसेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, हम उनका नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। कस्टमर सीधा उनसे जाके परचेज कर सकता है। हाथों के साथ प्रिंट, हाथों के साथ प्रिंट आएगी, साइज जो चाहिए उनको वो साइज मिलेगी। ओके, देखिए जैसे ये प्रिंट है, देखिए ये सारी, और ये रेगुलर का मास्टर बॉक्स है, तो ये ग्रीन बॉक्स हो गया, ग्रीन बॉक्स हो गया जंबो का, ये रेगुलर का बॉक्स हो गया। मतलब पैकिंग भी दोनों का डिफरेंट, फैब्रिक इंपोर्टेड है। ये मेरे पास अभी सिर्फ सैंपल है, तो फिनिश नहीं है ये। अच्छा। ये इसके ऊपर अभी फिनिश होगा जब माल रेडी हो जाएगा। ये तो आज अपना शूट है तभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। साइज बहुत बढ़िया, देखिए क्वालिटी लाजवाब। हाँ, और इसके बाद भी कस्टमर को कभी कभार कंप्लेंट होती है कि हमारे घुटने निकलते हैं, इसमें वो सब चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल इंटरलॉकिंग की है। लोअर में लेगिंग हो या कोई भी तरह का लेगिंग वियर हो वो यहाँ पे मिलता है, लेगिंग हो, प्लाजो, हर एक चीज़। ये 81 है, ये देखिए ये शेड है 81 का, उस हिसाब से यहाँ पर कलर का नंबर लगा होता है। बहुत बढ़िया, और इस तरह से काफ़ी सारी अलग अलग रो हैं। और चूड़ीदार लेगिंग है जैसे चुन्नट वाला, जी 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 हाँ, उसमें हम लोग ये वी शेप देते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड स्टोर वाले देते हैं वी शेप, उस टाइप का हम लोग वी शेप देते हैं। किस रेंज तक के बिक जाते हैं रिटेलर में? 1200 रुपये तक बिकते हैं, 450 रुपये वाले जो भी आइटम है, 850, 1200 रुपये तक हाईली। जैसे सर मैं जो भी देख रहा हूँ सभी जगह बस कम्फर्ट ही कम्फर्ट, चाहे कोई भी पीस मैं उठा करके देख लूँ, मैं रेंडमली भी अगर उठा लूँ यहाँ से देख लूँ, ये भी कम्फर्ट है, रजिस्टर्ड नाम है, पूरा ब्रांड है, और ये आर यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड है, ये ISO सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है। ये चीज़ें एक आई ओपनिंग वीडियो बनने वाली है, जेन्युइन जगह पे पहुँचता हूँ और इस तरह की मेरे को चीज़ मिलती है, तो मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपको एक सही चीज़ बताना उसके बारे में, कि आपको यहाँ पे से आकर के एक बेनिफिट मिले। यहाँ पर जब आप आओगे आपको देखने से ही आइडिया लग जाएगा कि आप एक बहुत बड़े लेवल पे पहुँचे हो। ट्रस्ट तो मेरे ऊपर बहुत लोग करते हैं, तो उनको पता है कि यार इस तरह का स्टॉक हर कोई नहीं दिखाता, और एक ही नाम से अगर कस्टमर को समझो वो पीस के सामने पीस नहीं चाहिए, कस्टमर हमको डिफेक्ट पीस वापस दे दे, हम उनको पैसे रिफंड कर देते हैं। सिंगल पीस है, ये मास्टर बॉक्स है, जैसे ये पीस हो गए, ये मास्टर बॉक्स में इस तरीके का 5 पीस पैक आएगा, तो इसको एक सेट बोला जाएगा, ये कंप्लीट सेट, इसको एक ये कंप्लीट सेट बोला जाएगा, एक कलर में 5 पीस आएंगे एक ही साइज का। तो ये क्या ट्रांसपेरेंट नहीं होगा लेडीज को? क्वालिटी जो जैसे लाइक्रा की होती है ना कुर्ती, जो लेगिंग होती है उससे भी अच्छी क्वालिटी लग रही है, बिल्कुल स्मूथ क्वालिटी है। कलर बनाते हैं 1 से लेके 20 नंबर तक। ओके, हाँ, इसमें हम लोग 20 कलर बनाते हैं 6 साइज में। ओवर है ये भी हरियाणा पे ही नहीं, ये होजरी पे ही है, होजरी पे, हाँ, ये नाइट वेयर के लिए। प्रिंट है, सबकी अलग होती है, कलर भी सबके अलग होते हैं, ये देखिए सबके कलर। इसमें क्या होता है, हर बार प्रिंट चेंज हो जाती है, समझो आज ये अवेलेबल है, इसका 7 प्रिंट का बॉक्स आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मैं राहुल बागड़ी आपके लिए और नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आया हूँ अहमदाबाद में, और बहुत ज़्यादा स्पेशल ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। मैं इस टाइम हूँ GIDC में, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको बोला जाता है, और जो कि एक मेन हब है हर इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे मैं हूँ आकाश टेक्सटाइल पर, जो कंफर्ट के नाम से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्या इनके पास चीज़ें बनती हैं पूरी डिटेल में एक आज वीडियो बनेगी। असल में लोग बोलते हैं कि जेन्युइन मैन्युफैक्चरर, वो आज आपको यहाँ से वीडियो देखने से ही आइडिया लग जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ इनकी एंट्रेंस पे, और पूरा अगर मैं आपको लुक स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, यहाँ पे इनका ऑफिस है,
जो कि अभी मैं आपको लेकर के चलूँगा वहाँ पे भी। एक चीज़ मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये पीछे कुछ काम चल रहा है जो कि अभी आप देख रहे हो, ये आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। डिस्प्ले एक तैयार हो रहा है जहाँ पे आप अच्छे से बैठ करके अपना सैम्पलिंग देख सकते हो। मेन अगर मैं एंट्रेंस कैमरे को मैं घुमा दूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मैं इस टाइम हूँ, रास्ता यहाँ से है, सामने जो है GIDC की मेन ये रोड है, GIDC नरोड़ा में मैं इस टाइम हूँ। ये बन रहा है यहाँ पे सारा, अभी तैयार हो जाएगा लगभग महीने भर के अंदर अंदर में। और ये इनकी फ़िलहाल अभी जो है मेन एंट्रेंस है, सब कुछ इसी फ्लोर पे। इसके ऊपर में भी इनका पूरा सेटअप है, यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, ऑफिस है, ये अंदर में भी स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ऑनलाइन टीम भी वहाँ पे बैठती है। फ़िलहाल जो अभी कस्टमर, ये देखिए पूरी के पूरी ये बॉक्सेस हैं कम्फर्ट के, एक ही नाम, सिर्फ कम्फर्ट के नाम से आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। ये एक पहचान बन जाती है कि यहाँ एक जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है। और लोअर में लेगिंग हो या कोई भी तरह का लेगिंग वियर हो वो यहाँ पे मिलता है, लेगिंग हो, प्लाजो, हर एक चीज़। ये इनका स्टॉक सेक्शन ये बहुत दूर तक है, बहुत ज़्यादा ये दूर तक है, बहुत बढ़िया। ऐसा ही ठीक एक सेटअप यहाँ पे इस साइड में भी है। काफ़ी ज़्यादा एक स्पीचलेस अगर मैं बोलूँ इसको, क्लोजअप में मैं दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा दूर तक है, बहुत बढ़िया। और इस तरह से काफ़ी सारी अलग अलग रो हैं। और यहाँ पे भैया जैसे अभी ओनर से भी मैं आपको भी मिलवाते, एक ये सामने हो गया अमित भैया जो कि ओनर हैं यहाँ के, जो अंदर ही हैं। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्ते राहुल जी, कैसे हो सर आप? बस बढ़िया राहुल जी। सर एक आज ऐसी जगह मिल रही है लोगों को देखने को जो कि अनबिलीवेबल मैं बोलूँगा। GIDC एक ऐसी जगह जहाँ पे हर एक इंडस्ट्री, जो चाहे किसी भी फील्ड की हो, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो होता है, इंडस्ट्रियल जोन है जी, वहाँ पे आप मेन हब में बैठे हो, लोग बहुत वीडियो बनवाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लैगिंग मतलब लोअर में जो है काम आप करते हो। लोअर में काम करते हैं, एक्टिव वेयर में अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं जी। जो भी एक्टिव वेयर चल रहा है, स्पोर्ट्स वेयर जो चल रहा है उसमें हम लोग एंट्री कर रहे हैं अभी। और बॉटम वेयर में हम 16 से 17 आइटम बनाते हैं। ओके। जिसमें 4-5 तरह की पेंट हो गई, कुर्ती पेंट हो गई, लेस पेंट हो गई, पोटली पेंट हो गई, जिसमें कलर साइजेस, हमारे सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास कलर ज़्यादा है जी। और प्लस पॉइंट दूसरा ये है कि साइजेस ज़्यादा है हमारे पास। हम लोग जैसे पोटली पेंट बनाते हैं तो उसमें 56 कलर बनाते हैं और उसमें 6 साइज बनाते हैं। ओके। मतलब L से लेके 5XL तक की हम लोग साइज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, मैं जो भी देख रहा हूँ सभी जगह बस कम्फर्ट ही कम्फर्ट, चाहे कोई भी पीस मैं उठा करके देख लूँ, मैं रेंडमली भी अगर उठा लूँ यहाँ से देख लो, ये भी कम्फर्ट है, हर एक जगह कम्फर्ट है, सब कम्फर्ट है। तो ये रजिस्टर्ड नाम है, रजिस्टर्ड नाम है, पूरा ब्रांड है, मतलब रजिस्टर्ड है, प्रॉपर रजिस्टर्ड है। अगर मैं वो भी दिखाऊं तो जैसे ये भी पूरी वॉल पे यहाँ पे लगा रखा है और ये आर यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड है ये, ठीक है। ISO सर्टिफाइड है, ओके। ये चीज़ें एक आई ओपनिंग वीडियो बनने वाली है आज, तो कितना टाइम हो गया सर आपको इस काम लाइन में? और हमको ये लाइन में जुड़े हुए 7 साल हो गए हैं जी। 2014 से हम लोग ये फील्ड में हैं। ओके। 2014 से हम लोग ये सारा माल बेच रहे हैं जी। जो ऑफलाइन बेच रहे थे, अभी हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, तो अभी हम लोग ऑनलाइन कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके। तो आपकी लोकेशन जो है ये एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर के अंदर में है। ओके। जैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसके 3 किलोमीटर अंदर में है जी। मतलब कस्टमर के लिए भी इजी है आना। तो सर ज़्यादातर जैसे दूर के जो कस्टमर होते हैं ना, वो प्रेफर पहले क्या करते हैं, बाई ट्रेन आना, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है उनको, कम्फर्टेबल भी होता है। ट्रेन से अगर आते हैं तो 6 किलोमीटर के अंदर में, 6 किलोमीटर हाँ, ट्रेन अगर आते हैं तो 6 किलोमीटर। तो इनकेस अगर किसी को दिक्कत आती है तो पिकअप, पिक एंड ड्रॉप का भी आपके पास है? पिकअप ड्रॉप सर्विस भी है। ओके। यहाँ पर कस्टमर आता है, रेलवे क्रॉसिंग पे उतरता है, हमको कॉल करेंगे, हमारा बंदा वहाँ पर उनको लेने के लिए पहुँच जाएगा। ठीक है सर, अभी आपके जो है सैम्पलिंग देखते हैं। मैं थोड़ी सी व्यूअर से बातें मैं इस टाइम कर लेता हूँ। दोस्तों मैं जब एक जेन्युइन जगह पे पहुंचता हूं और इस तरह की मेरे को चीज़ मिलती है, तो मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपको एक सही चीज़ बताना उसके बारे में, कि आपको यहां पे से आकर के एक बेनिफिट मिले। यहां पर जब आप आओगे आपको देखने से ही आइडिया लग जाएगा कि आप एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे हो। लोकेशन वाइज, इनके प्रोडक्ट वाइज, इनके स्टॉक सेक्शन को देख करके, सब कुछ यहीं पर इन हाउस है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो दूसरी जगह पर है जहाँ पे वो प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सेल दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे
अलग अलग तरह के काम होते हैं जो कि एक साथ मर्ज नहीं कर सकते एक ही जगह पे, तो सेल ऑफिस भी इन्होंने GIDC में ही बना रखा है और जो इनका मैन्युफैक्चरिंग है वो भी GIDC के अंदर में ही है। और जो लोग ट्रस्टों में ऊपर बहुत लोग करते हैं तो उनको पता है कि यार इस तरह का स्टॉक हर कोई नहीं दिखाता, और एक ही नाम से अगर उससे भी आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई एक ही नाम से तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, बाकी रेट बोलते हैं कि हाँ किस तरह के रेट देते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। अमित जी एक चीज़ और मुझे बताइए कि जैसे जो डिस्पैचिंग है, डिस्पैचिंग में कई बार ना कस्टमर जैसे क्वेरी करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है कि हाँ भाई मेरा ऑर्डर निकला नहीं निकला ये वो, तो उसमें तो ऐसा है कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूर नहीं है। आपका ऑर्डर जैसे ही आया है हमारे पास डिस्पैच टीम के पास पहुंच जाता है। कोई भी कस्टमर हड़बड़ी कभी ना करें, जैसे ही डिस्पैच होगा हमारी डिस्पैच टीम से आपको कॉल आ जाएगा कि आपका पार्सल पैक है, आपको COD करना है तो COD करवाइए, अगर COD नहीं करना है प्रीपेड करना है तो आप प्रीपेड भी कर सकते हैं। COD फैसिलिटी भी है? COD फैसिलिटी भी है हमारे पास, ठीक है, जो हम ऑल इंडिया प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो इंडिया के बाहर से भी अगर क्वेरी आती है तो भी आप अटेंड करते हो? इंडिया से बाहर की क्वेरी जैसे हमारा माल जाता ही है इंडिया से बाहर जी, तो वहाँ की भी क्वेरी हम लोग अटेंड करते हैं। अच्छा, डिस्पैच कितने एक दिन में, जैसे डिस्पैच वगैरह कितने एक हो जाते दिन में हैं? हमारे पास जैसे 50 से प्लस पार्सल जाते हैं। ओके, 50 प्लस पार्सल जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, आ जाइए। पैकिंग भी दिखा सकते हैं किस तरह से ये होती? इस तरीके का पैकिंग हुआ है। अच्छा। अभी ये कस्टमर का कॉल गया है कि उनको कैसे करना है, एक ये पार्सल है एक ये पार्सल है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, हर पार्टी का नाम लिखा हुआ रहता है पार्सल के ऊपर। कस्टमर अगर बोलता है कि हमको COD करना है तो ये COD लग के पैक होके निकल जाएगा। अगर कस्टमर बोलता है कि हम प्रीपेड कर रहे हैं तो प्रीपेड होके निकल जाएगा, जैसे एक ये पार्सल है एक ये पार्सल है। ओके, और पैक किस तरह से हो जाता है, आफ्टर पैकिंग कैसा लुक आता है? आफ्टर पैकिंग में आपको दिखा दूँ कैसा लुक आता है, आ जाइए। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये पार्सल्स भी पैक होने के लिए रेडी है। ओके, ये अभी माल निकल ही रहा है। हाँ, ये माल निकल रहा है, काउंटिंग चालू है। ठीक है जी, उसके बाद मैं आफ्टर पैकिंग का आपको बता देता हूँ। ये आफ्टर पैकिंग है। ओके, देखिए इस तरीके का एक पार्सल बन जाता है, कस्टमर का यहाँ पे एड्रेस लग जाता है जी। फिर ये कुरियर में जाना है तो कुरियर में निकल जाता है, ट्रांसपोर्ट में जाना है तो ट्रांसपोर्ट में निकल जाता है। बारिश वगैरह भी जैसे बहुत हो रही है तो उसकी दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती है, इसके अंदर डबल पैकिंग होता है हमारा। ओके, मतलब बारिश वगैरह में कस्टमर को माल भीग जाने की कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर भी जैसे कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाते हैं, क्या भाई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में हम लोग कस्टमर को पीस टू पीस एक्सचेंज करके देते हैं। अगर कस्टमर को कोई भी क्वेरी आती है, अगर कस्टमर के कस्टमर लेके पहन रहा है और उसको कोई दिक्कत आ रही है तो हम वापस मंगवाते हैं वो पीस, और पीस टू पीस हम उनको चेंज करके देते हैं। मतलब कस्टमर को कोई भी हेडेक पालने की जरूरत नहीं है, सारे हेडेक हमारे हैं, आप हमको कॉल कीजिए, ये दिक्कत आ रही है हम आपको पीस टू पीस चेंज करके देंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने करी है, जो पीस टू पीस रिटर्न कोई भी नहीं करता है, सेट टू सेट सोचते हैं कि यहाँ भी सेट टू सेट ही लेंगे। हाँ, अगर कस्टमर डिफेक्ट होता है तो बस, अगर कस्टमर को समझो वो पीस के सामने पीस नहीं चाहिए, कस्टमर हमको डिफेक्ट पीस वापस दे दे, हम उनको पैसे रिफंड कर देते हैं उनके। ओके जी, ठीक है सर, तो वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं सर, सैंपलिंग देखते हैं। सैंपलिंग दिखा देता हूँ मैं आपको जी, पूरी। क्या दिखा रहे हैं आप प्रोडक्ट? मैं पहले आपको हमारा एंकल लेगिंग दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए, जैसे ये हमारा एंकल लेगिंग है, ये हम लोग 200 प्लस कलर में बनाते हैं। ओके, जैसे ये एंकल है, ये पूरा ब्रांडिंग ब्रांडेड पैकेजिंग रहेगा जी। देखिए ये हमारा एंकल लेंथ है। ओके, एंकल लेंथ तक ये आती है? हाँ, ये स्ट्रेचेबल रहता है। ओके, देखिए ये स्ट्रेचेबल है, फैब्रिक भी आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग डबल म्यानी भी देते हैं जिससे कस्टमर को ज़्यादा कंफर्ट रहता है। तो साइजेस क्या क्या होते हैं स्टार्टिंग प्रोडक्ट में भी? एक ये फ्री साइज आता है और एक इससे जंबो साइज आता है। ओके जी, ये सारा ब्रांडेड पैकेजिंग रहेगा, ये इसका पैकेजिंग है, और हर कलर पे इस टाइप का नंबर लगा रहेगा, जिस नंबर का है कलर वो नंबर लगा रहेगा। ये हमारा इसका कलर चार्ट है। अच्छा, ये देखिए ये कलर चार्ट है जिसमें 200 प्लस कलर्स हैं, ये देखिए। तो 81 पे देखते हैं येलो ही मिलेगा? हाँ, 81, ये 81 है। अच्छा, ये देखिए ये शेड है 81 का, उस हिसाब से यहाँ पर कलर का नंबर लगा होता है। उसके बाद इसी में एक चूड़ीदार लेगिंग आता है जो। अच्छा सर, एक दो चीज़ मेन बात कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले आपने बोला कि COD आपके पास अवेलेबल है, दूसरा मिनिमम ऑर्डर क्या होगा जो कस्टमर आपसे जुड़ेगा? मिनिमम ऑर्डर में देखिए, अभी जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं, मैं मिनिमम ऑर्डर पे किसी को बाउंड नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग अभी कोरोना की वजह से घर से बैठ के भी काम कर रहे हैं जी। तो मैं उनको भी प्रोवाइड करवाऊंगा, मतलब खाली क्या रहेगा उसमें सेट टू सेट रहेगा। जैसे हमारा कोई सेट 5 पीस का है तो वो 5 पीस का सेट लेना पड़ेगा, कोई 10 का है तो 10 का लेना पड़ेगा। तो हम लोग सेट टू सेट हर किसी को माल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की, कि कहाँ से लेके कहाँ तक स्टार्टिंग? देखिए मेरा जो बेसिक रेंज है वो 160 से स्टार्ट होता है जी, 160 से जाता है 450 तक। ओके जी, तो मैं आपको प्राइसिंग सबकी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जो भी हमारे होलसेलर्स
हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जी, उनकी वजह से मैं आपको प्राइसेस नहीं बता पाऊंगा, पर जो बेसिक रेंज है वो 160 से स्टार्ट है। ठीक है सर, आ जाइए, तो मैं इसमें आपको एक चूड़ीदार प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। जो भी चीज़ें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है आपके जी, पास जी, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा और हर किसी में गारंटी रहेगा। ठीक है, चूड़ीदार प्रोडक्ट ये देखते हैं। ये चूड़ीदार लेगिंग है जैसे चुन्नट वाला। जी 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 हाँ, उसमें हम लोग ये वी शेप देते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड स्टोर वाले देते हैं वी शेप, उस टाइप का हम लोग वी शेप देते हैं। देखिए ये चूड़ीदार है, इसमें भी हम ये सारे कलर बनाते हैं। अच्छा, जैसे ये सारे कलर हो गए, ये चूड़ीदार में और एंकल में दोनों में मिलेंगे आपको। ठीक है, हाँ तो ठीक है, आपने दो चीज़ें दिखाई हैं, इसे नेक्स्ट में देखते हैं सर। अभी मैं नेक्स्ट आपको दूसरी पीस दिखाता हूँ जी, कुर्ती पैंट, जो हमारा हाईली पैकिंग आपकी बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली बहुत अच्छी है, और हमारे पास पैकिंग है, हमारे पास इनका मास्टर बॉक्स भी आएगा। ओके, मैं आपको इसका मास्टर बॉक्स भी दिखाऊंगी कैसे ये पीस पैक रहते हैं। अच्छा, ये सिंगल पीस है, ये मास्टर बॉक्स है, जैसे ये पीस हो गए, ये मास्टर बॉक्स में इस तरीके का पांच पीस पैक आएगा। तो इसको एक सेट बोला जाएगा, ये कंप्लीट सेट होगा, इसको एक ये कंप्लीट सेट बोला जाएगा। एक कलर में पांच पीस आएंगे, एक ही साइज का, एक ही साइज। हाँ, अच्छा, जैसे रिटेल वाले लेंगे तो रिटेल वालों को भी ये पांच पीस पड़ेगा। ओके, हाँ, मतलब कम से कम ऑर्डर जो है एक ही साइज में, एक ही कलर में, हाँ, पांच पीस आएंगे इस तरह की, इस तरीके का पैकिंग आएगा। ये मास्टर बॉक्स है, इसी तरह हर आइटम का ये मास्टर बॉक्स है, जैसे ये लेगिंग का मास्टर बॉक्स है जी, हाँ, जैसे वो भी सामने भी पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये मास्टर बॉक्स है। ओके, इस तरीके के मास्टर बॉक्स में आएंगे सारे। इस वाली पैकिंग के बॉक्स कैसे होते हैं? ये रहे। अच्छा, वो इसी के हैं। हाँ, ये अच्छा, इस वाली पैकिंग के हैं, जो भी आपने एंकल लेंथ और वो दिखाया। हाँ, चूड़ीदार, चूड़ीदार और एंकल लेंथ, इसमें ये पांच पीस आएंगे। ओके, इसको देखने के बाद मैं देखता हूँ। ये जम्बो है, जम्बो चूड़ीदार है। ओके, हाँ ठीक है, इसमें अलग 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 साइज होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। साइज क्या क्या होते हैं आपके पास? साइज एक रेगुलर होता है और एक जंबो होता है, बस दो ही साइज रहती है। अच्छा, रेगुलर और जंबो। जो रेगुलर साइज है चूड़ीदार के अंदर वो हमारा 40 वेस्ट तक आराम से आ जाता है। ओके, और जो जंबो होता है वो 42 से 50 वेस्ट तक आता है। अच्छा, कोई इसमें ऐसा नहीं होता कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, एक फ्री साइज आता है, क्योंकि अभी स्मॉल वाला स्मॉल वो लेकर के लार्ज तक भी पहन सकते हैं, स्ट्रेचेबल होता है, बिल्कुल स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, और फैब्रिक कौन कौन से होते हैं सर इसमें? फैब्रिक होता है ये कॉटन लाइक्रा है जी, जो हैवी बेस्ड है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ इसका, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है पहनने के बाद। ओके, हाँ, जैसे दूसरे, ये हमारा हैवी जीएसएम है, ये 200 जीएसएम पे बना हुआ है, तो ये क्या ट्रांसपेरेंट नहीं होगा लेडीज को। क्वालिटी जो जैसे लाइक्रा की होती है ना कुर्ती, जो लेगिंग होती है उसे भी अच्छी क्वालिटी लग रही है, बिल्कुल स्मूथ क्वालिटी आएगी। अभी ये कुर्ती पैंट है, पॉकेट भी है इसमें, इसमें ये फ्रंट मोबाइल पॉकेट है। ओके, कुर्ती पैंट, इसमें हमारा ये कंपनी का लोगो रहता है पैंट के ऊपर। ओके, देखिए ये जैसे 89 वाला नंबर का कलर है, लाइए इसका चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका चार्ट है। ओके, ये सारे कलर्स हम लोग इसमें बनाते हैं, इसमें एक ये साइज बनती है, एक जंबो साइज बनती है। ये जंबो है, जैसे ये रेगुलर का पैकिंग है और ग्रीन वाला जंबो का पैकिंग है। अच्छा, रेड वाला रेगुलर साइज का, रेगुलर साइज का, और ग्रीन वाला जंबो का है। ये भी पहचाने? हाँ, ये भी इजी हो जाता है, इसका भी मैं आपको मास्टर बॉक्स दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये जंबो साइज है, जंबो साइज। हाँ, इसमें भी ये सारे कलर मिलेंगे पेंट के अंदर, 127 कलर आपको एनी टाइम अवेलेबल मिलेंगे। देखिए, जैसे ये जंबो का मास्टर बॉक्स है। okay, और ये रेगुलर का मास्टर बॉक्स है। तो ये ग्रीन बॉक्स हो गया, ग्रीन बॉक्स हो गया जंबो का, ये रेगुलर का बॉक्स हो गया। okay, मतलब पैकिंग भी दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो ये रिटेल वालों को ढूंढने में भी आसानी होती है, उनको भी और आपको भी। बिल्कुल, उनको भी आसानी होगी, हमको भी आसानी होगी। अब मैं आपको एक दूसरा आइटम दिखाता हूँ, जैसे मेरा पोटली पैंट है। पोटली पैंट? हाँ, पोटली पैंट, इसको बूंदी वाला पैंट भी बोलते हैं काफ़ी जगहों पर। ओके, ये हमारा बूंदी वाला पैंट है, जिसका ये पैकिंग है, ये देखिए। ये रिटेलर अपने शॉप में हैंगिंग भी कर सकता है। बहुत बढ़िया, इसमें हैंगर भी दे रखा है, हैंगर भी दे रखा है, मतलब ये हैंग भी कर सकते हैं अपने शॉप में। उसके बाद लेकिन क्वालिटी, मैं एक बार दोबारा से आऊँगा, क्वालिटी जो चाहे वो पॉलीथीन की हो, चाहे भैया वो हैंगर की हो, बिल्कुल स्टैंडर्ड अंदर जो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल राहुल जी इसमें क्वालिटी एकदम स्टैंडर्ड ही देंगे सब चीज़ों में। जैसे ये पोटली पैंट है। ओके, सेल्फ में कुछ वीविंग टाइप इसमें दिख रहा है, शो हो रहा है इसमें जी। ओके, ये स्लब लाइक रहा है, बहुत बढ़िया। नीचे पैंट बूंदी दिया हुआ है और साइड में कट भी है। अच्छा, इसको आप बूंदी डिजाइन? हाँ, इसको बूंदी डिजाइन बोलते हैं, ये पोटली पैंट के नाम से चलता है। कई कई लोग इसको पोल वो बोलते हैं, वो पॉम-पॉम लेस टाइप बोल देते हैं इसको। अच्छा, इसमें हम लोग 6 साइज बनाते हैं, एल से लेके 5XL तक। साइड पॉकेट है इसमें दोनों तरफ, दोनों साइड क्रॉस पॉकेट आएगा, ये देखिए दोनों साइड क्रॉस पॉकेट रहेगा। इसमें हम लोग 5XL तक साइज बनाते हैं, एल से लेके 5XL तक, 6 साइज। उसके बाद हम लोग इसमें कलर बनाते हैं 56, एक से लेके 56 नंबर तक। 56 कलर आपको हर साइज में मिलेगा,
एल में भी मिलेगा और 5XL में भी मिलेगा। ओके हाँ, इसमें ही आपको एक दूसरा आर्टिकल बताता हूँ जिसका नाम है लेस पेंट। ये देखिए, इसका भी पैकिंग देखिए, स्टैंडर्ड पैकिंग है इसका, है लेस पेंट नाम है जी, जिसको काफ़ी लोग जालर पेंट भी बोलते हैं जी, जी, जी। ये देखिए, ये इसमें नीचे लेस लगा हुआ है, लेस लगा हुआ है और फ्रिल लगी हुई है बिल्कुल, जो पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए, इसमें फोटोज में पहना हुआ है। ये देखिए, इसमें भी क्रॉस पॉकेट दोनों साइड आते हैं, इसमें भी हम 6 साइज बनाते हैं, एल से लेके 5XL। ओके हाँ, जैसे मैं आपको इसके भी कलर बता दूँ, इसमें 20 कलर बनाते हैं 1 से लेके 20 नंबर तक। ओके हाँ, इसमें हम लोग 20 कलर बनाते हैं 6 साइज में। उसके बाद इसमें जैसे ये जो डिज़ाइन हो गए पायल पे नीचे की तरफ में जी, ये अलग अलग आते हैं? नहीं, इसमें ये एक ही रहेगा, कलर टू कलर मैच होगा, कलर जो कलर का पेंट होगा वही कलर के नीचे लेस आएगी। हाँ, पैटर्न एक ही रहता है लेस के अंदर, पैटर्न एक रहता है। हाँ ठीक है, उसके बाद मैं आपको हमारा जो कैप्री है जी, जो अभी काफ़ी चल रहा है 3/4 लेंथ में, इसमें भी हम लोग 10 कलर बनाते हैं। ये देखिए, ये 3/4 कैप्री है जी। जैसे एक आइटम ये दिखा दूँ आपको, पेंसिल पेंट के अंदर। ओके प्लाजो पेंसिल पेंट, देखिए ये पेंसिल पेंट कैप्री अलग हो गई। इसमें क्या क्या साइज आ जाते हैं? ये भी इसमें फ्री साइज ही आता है। ठीक है, इसमें एक ही साइज आता है, एम से लेके XL साइज आता है। ठीक है, एम से लेके XL। ठीक है, इसमें ये कि पेंसिल पेंट, ये इसका पेंसिल पेंट का पैकिंग है। ओके ठीक है, देखिए ये साटिन फैब्रिक है, साटिन लाइक्रा, साटिन लाइक्रा। ये देखिए इसका स्ट्रेच जी, बिल्कुल स्मूथ आएगा और पॉकेट भी आएंगे साइड में। एक नंबर की क्वालिटी है सर, एक नंबर की क्वालिटी, बहुत बढ़िया। इसमें हम लोग 8 से 10 कलर बनाते हैं रेगुलर वाले, 8-10 कलर रेगुलर जो चलते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड, नेवी ब्लू, मस्टर्ड जी, रानी, ये सब कलर इसमें रेगुलर कलर जो ट्रेंड में रहते हैं, जो ट्रेंड में रहते हैं। उसके बाद हम लोग एक बनाते हैं हैवी में जाके प्लाजो, जो 18 किलो रेयन के ऊपर बनता है। देखिए, जो ये इसका पैकिंग है, पॉकेट प्लाजो, प्लाजो के अंदर भी हम लोग पॉकेट देते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, प्लाजो के अंदर पॉकेट ही नहीं देते हैं। ओके देखिए, हम लोग इसमें वाओ पॉकेट भी देते हैं कस्टमर को, लाजवाब साइज है ये, इसका फ्री साइज है, ये 3XL तक कवर कर जाता है इसका साइज वाकई में। हाँ ये देखिए, और नीचे इसमें पैटर्न दिया हुआ है जी, ये पूरा चिकन दिया हुआ है और वर्क एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, ये बोरिंग चिकन काम है इसमें। हाँ क्वालिटी जबरदस्त, 18 किलो रेयन पे है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, बहुत बढ़िया है। हाँ सेल्फ में डिज़ाइन है यहाँ पे नीचे में, और नीचे में लेस दे रखी है बोरिंग चिकन। इसमें भी हम लोग 8 से 10 कलर बनाते हैं रेगुलर वाले। अच्छा सर, आपके तो अब देखो, मैं पता नहीं बोलना चाहिए कैमरे पे या नहीं बोलना चाहिए, अहमदाबाद में ना बहुत लोग हैं जो वीडियो बनवाते हैं अपने आप को, बहुत लोग होलसेलर मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, होलसेलर तो चलो है ही, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं जी, जो कि लोग देखो अपने आप में समझदार हैं, कस्टमर हाँ। अपने आप ही जागरूक हैं बहुत ज़्यादा, उनको पता है कि एक मैन्युफैक्चरर का सेटअप कैसा होता है जी, क्या क्या प्रोडक्ट उन पर एक एक बंदा प्रोवाइड करवा सकता है, उनको सब कुछ पता होता है। तो हाँ। आपके जो वीडियो लोग बनाते वो लोग भी जुड़े होंगे आपसे, कि आपसे माल लेते होंगे, अहमदाबाद में ऐसे लोग भी होंगे बहुत जी, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो हमसे माल खरीद के बेचते हैं आगे, और आगे वीडियो बनवा के अहमदाबाद में डिस्ट्रीब्यूटर है जी, मुंबई में डिस्ट्रीब्यूटर है, दिल्ली में है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर है, जयपुर है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो जैसे मान लो कोई, अब जैसे कोविड का भी टाइम है, हर कोई कंफर्टेबल नहीं है कि यहाँ पे आकर के ले, बिल्कुल हम उनको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर प्रोवाइड करवा देंगे जी, 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 उनके एरिया के आसपास में जो भी हमारा होलसेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, हम उनका नंबर प्रोवाइड करवाएंगे, कस्टमर सीधा उनसे जाके परचेस कर सकता है। बहुत बढ़िया सर, जी बहुत अभी मैं आपको एक दूसरा, इसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल हमारे सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर दिए हुए हैं, होलसेलर्स भी हैं जो काफी समय से काम कर रहे हैं जी, जी जी नहीं मैं आपको इसमें एक तो कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहे आपके थ्रू वो भी ले सकता है कोई? जी बिल्कुल, उसका अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर टाइप होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो 10,000 पीस की क्वांटिटी पे टाइप होता है, फिर छोटा होलसेलर से है तो उसकी क्वांटिटी अलग होती है, वो अगर कस्टमर कॉल करेगा तो हम उसको पूरी जानकारी दे देंगे कि किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड करवाते हैं और किस तरीके से हम लोग होलसेलर बेस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल दोनों ही चीज़ें कवर हो जाएंगी। हाँ अभी मैं आपको एक, ये हमारा लोअर है नाइट वेयर के अंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन इसे बना हुआ है सर, हार्ट शेप में, ये लोअर है, ये भी रेयन पे ही नहीं, ये अच्छा, होजरी पे ही है, होजरी पे ही है। हाँ ये नाइट वेयर के लिए ट्रैक पैंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद एक मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊं, क्वालिटी वाओ है सर, बहुत बढ़िया। इसी में अंदाजे नहीं किस रेंज के बीच में वेरी करता होगा सर, इस तरह का पैटर्न मेरी आइटम जो है 160 से स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद 450 एंड है उसका, मतलब इन सारी चीज़ों में आपको
रेट मिल जाएंगे। अरे जैसे कस्टमर जो जुड़ते हैं आपसे, जो आगे रिटेल में बेचते हैं, वो लोग तो जैसे कभी बातचीत में बताते भी होंगे अभी आपकी ये वाली चीज़ तो हमने इतने में बेच दी, ये वाली चीज़ इतने में बेची जी, तो अंदाज़े इस तरह के पैटर्न जो 400-450 के आसपास जो होते हैं आपके जी, किस रेंज तक के बिक जाते हैं रिटेलर में? 1200 रुपये तक बिकते हैं, 450 रुपये वाली जो भी आइटम है, 850-1050-1200 रुपये तक हाईली, जैसे ये चीज़ है जी, ये हाईली 1200 रुपये तक जाती है सर रिटेल में, सिंगल पीस जो करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जैसे ये हमारा जो पेंसिल पेंट है जी, 799 की MRP आती है, इसके ऊपर 10% लेस करते हैं सर। ओके बहुत बढ़िया। ये रिटेल वालों के लिए होती है MRP जो? हाँ रिटेल वालों के लिए MRP जो होती है रिटेल वालों के लिए होती है। ओके उसके बाद मैं आपको ये प्रिंट वाली कैपरी दिखा दूँ जी। जैसे ये प्रिंट वाली कैपरी है जी, इसमें भी हम लोग पॉकेट देते हैं, साइड पॉकेट आएगा। ये कैपरी है, इसमें हम लोग M से लेके XXL तक साइज बनाते हैं। ओके M से XXL, ये भी होजरी में ही है। हाँ जैसे ये पैजामा हो गया तो इसमें भी हम M से XXL बनाते हैं। तो अब प्रिंट की बात करते हैं, जैसे अभी दो प्रिंट तो आपने दिखाए, कितने तरह के प्रिंट होते हैं आपके ये पास? इसमें समझो 7 तरह की प्रिंट होती है। अच्छा। ये कस्टमर को साइज जो चाहिए वो ले सकता है, पर इसमें प्रिंट सभी आएंगी, 7 प्रिंट का सेट आता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, एक प्रिंट है, एक बार सेट दिखा दीजिए, एक सेट में सातों के साथ प्रिंट आएगी। साइज जो चाहिए उनको वो साइज मिलेगी। ओके देखिए जैसे ये प्रिंट है, अरे देखिए ये सारी प्रिंट है, इस टाइप की हर बार चेंज होती रहती है। जैसे कस्टमर ने आज कॉल किया तो आज ये अवेलेबल है, कल कॉल करेंगे तो कल दूसरी अवेलेबल होगी, परसों करेंगे तो परसों तीसरी अवेलेबल होगी, तो जो हिसाब से जो प्रिंट अवेलेबल होगी वो प्रिंट का आपको फोटो सेंड कर दिया जाएगा। हाँ बढ़िया सर। और इसके अलावा और भी प्रिंट होते हैं वो तो? बिल्कुल बहुत सारी प्रिंटें होती है, रोज चेंज होती रहती है, तो कस्टमर को हमको कॉल करना पड़ेगा। ऐसे इसके सेट में भी अलग अलग प्रिंट होते हैं? हाँ इसमें भी मैं आपको बता दूँ, कैपरी के भी सेट बता दूँ। देखिए जैसे ये कैपरी है, कैपरी में ये प्रिंट्स हैं, देखिए ये सारी प्रिंट अलग अलग, इसमें भी 7 प्रिंट अलग अलग आएगी, उसमें भी 7 प्रिंट अलग अलग, आपस में क्लैश भी नहीं हो रही इसके प्रिंट और उसके प्रिंट से? नहीं, उसकी प्रिंट अलग आएगी, इसकी प्रिंट अलग आएगी जी। देखिए अभी मैं आपको नेक्स्ट पीस पे चलते हैं, नेक्स्ट दूसरी आइटम बता देता हूँ जी। देखिए जैसे ये हमारी प्लेन टी शर्ट है, अच्छा ये प्लेन लाइक्रा के ऊपर हैवी GSM में। ओके इसमें हमारे पास S से लेके XXL साइज़ है, ये देखिए ये फुल स्ट्रेच है, ये M साइज़ का पीस है जी। ये देखिए वाओ बढ़िया, ये M साइज़ का पीस डबल हो गया सर एक। हाँ बिल्कुल डबल हो जाएगा साइज़, बहुत बढ़िया देखिए क्वालिटी लाजवाब। हाँ और इसके बाद भी कस्टमर को कभी कभार कंप्लेन होती है कि हमारे घुटने निकलते हैं। अच्छा, इसमें वो सब चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल इंटरलॉकिंग की है सर, बिल्कुल इंटरलॉकिंग मिलेगी बिल्कुल। ठीक है क्वालिटी आपको ए ग्रेड मिलेगी, क्वालिटी में कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। आप कुछ कह रहे थे कंप्लेंट आ जाती है कस्टमर की, कभी कभार कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि हमने दूसरी कंपनियों का लिया है, घुटने निकलते हैं जी, आपका जी, ऐसा तो नहीं होगा जी, 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 मैं जी, कस्टमर जी, को ये बता दूं कि हमारे ऐसे कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। अगर किसी में भी आपको कोई दिक्कत आती है कि घुटना निकल रहा है, वो पीस आप हमको दीजिए, हम आपको एक्सचेंज करके देंगे। ओके ज़्यादातर ये कंप्लेंट आती ही नहीं है जी, जैसे इलास्टिसिटी होती है ना कि यहाँ पे वापस कंफर्ट जोन पे वहीं पे आ जाएगी आफ्टर वॉश के बाद, बिल्कुल तो घुटना छपा हुआ नहीं दिखता फिर बाद में इस बिल्कुल से। हाँ मतलब वो नहीं आती। उनको ऐसा है कि हमारा घुटना निकल जाता है जी जी जी, जी तो पर वो इसमें कंप्लेन आएगी नहीं। ओके ठीक है, देखिए जैसे वो डिपेंड करता है सर GSM कितना यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से, GSM के ऊपर ही डिपेंड करता है। और हम जो भी GSM यूज करते हैं वो सारे स्टैंडर्ड GSM यूज करते हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड वाले यूज करते हैं, जैसे जॉकी हो गया, इस टाइप की जो ब्रांड हो गई बिल्कुल। और ये चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ISO सर्टिफाइड होती है कंपनी उसी के पास स्टैंडर्ड होते हैं कि हाँ भाई इससे लो में तो हमें बनाना ही नहीं है, स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं कि भाई इस लेवल तक हाँ, हमें क्वालिटी देनी है। देखिए अभी जैसे ये प्लेन टी शर्ट बताई, इसमें ये 25 कलर है हमारे पास प्लेन टी शर्ट में, इसमें साइज है S से लेके XXL। ठीक है हाँ, इसमें हमारे पास मास्टर बॉक्स आएगा टी शर्ट का भी, मैं आपको मास्टर बॉक्स भी दिखा देता हूँ टी शर्ट का। और ये अलग आ गई इसमें? हाँ एक ये अलग है, जैसे इसमें ये 10 प्रिंट आती है अलग अलग। अच्छा देखिए ये इसका पैकिंग है, इसमें ये 10 अलग अलग पैकिंग आती है। तो ये सारी लेडीज वेयर ही हैं? सारी लेडीज वेयर है। देखिए जैसे ये प्लेन है तो प्लेन का ये मास्टर बॉक्स आएगा 5 पीस का। अच्छा ओपन करना कैसे? इसी पैकिंग में आएगा? हाँ ऐसी पैकिंग में ही आएगा, ये वाली पैकिंग में ही आएगा, ये मास्टर बॉक्स है। जैसे इसमें ये भी वही है रेड वाला लोगो है तो उसमें वो हाँ जो आप बता रहे थे। देखिए ये प्लेन के कलर्स हैं, ये 5 पीस के अंदर एक ही साइज। हाँ एक ही साइज, ये प्लेन वाली में, प्लेन वाले। हाँ इसमें फिर क्या होता है कलर चेंज हो जाते हैं। अच्छा और प्रिंटें चेंज हो जाती है, जैसे मैं इसका भी आपको एक सेट बता देता हूँ, उसमें हर में कलर और प्रिंट चेंज हो जाएगी। प्रिंटिंग की बात करते हैं, जैसे कई बार ना लोग खड़िया प्रिंट कराते हैं जिसको टेबल प्रिंट बोला जाता है, ये धोने के बाद नहीं निकलेगी? नहीं,
कस्टमर इंटर नहीं आई है, निकालना चाहेगा तो भी नहीं निकलेगी। अच्छा, अगर कस्टमर नाखून से खुरे देगा अभी ना तो भी नहीं निकलेगी। प्रेस वगैरह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रिंट के ऊपर खाली क्या होता है, या तो आप पेपर रख के प्रेस कीजिए या तो कोई कपड़ा रख के कीजिए, क्योंकि वो एक्चुअल है तो रबड़ी तो गर्म होकर खराब हो जाएगा, ये दिक्कत होती है। वैसे नहीं है कि अभी नहीं निकलेगा, वैसे दो चार पांच दस बार धुलाई गया तो ऐसा फट सा जाता है, प्रिंट ऐसा नहीं है, धोने के बाद कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये पीस दिखाया मैंने आपको, तो इसमें ये 10 कलर है। देखिए ये 10 कलर का ऐसे सेट आता है। ओके, प्रिंट भी अलग होंगे? हाँ, प्रिंटें सबकी अलग होती है, कलर भी सबके अलग होते हैं। ये देखिए, ये सबके कलर प्रिंट सब अलग अलग आएगी। देखिए ये सब कलर अलग, सब प्रिंटें अलग। जैसे मैं आपको ये भी पीस खोल के दिखाता हूँ इस बार। देखिए ये भी खोलना, और एक पिंक वाला भी, पिंक वाला भी खोल देता हूँ सर। ये देखिए, ओके ठीक है, मतलब सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आएगी, ऐसा नहीं कि कोई लो है। पैकिंग भी आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड आएगी, पाउच पैकिंग किया हुआ है, पन्नी पैकिंग नहीं है। लोग क्या करते हैं, टी शर्ट में पन्नी पैकिंग देते हैं, हमारा पाउच पैकिंग किया हुआ है। मैं वही तो बता रहा हूँ, पॉलिथीन की क्वालिटी भी इतनी स्टैंडर्ड है ना, बहुत ज़बरदस्त। जैसे ब्रांडेड जो होते हैं ना, बहुत हालांकि ये भी ब्रांडेड है, बिल्कुल ये भी ब्रांड ही है। एक वो नॉन ब्रांड होते हैं जिसपे टीवी पैड आती है जिसकी, वो लोग जानते हैं, जैसे लक्स कोजी हो गया, कुछ और हो गया, बिल्कुल वो वाली क्वालिटी उससे बढ़िया है। और हमारा भी लोगो भी आएगा नीचे। ओके हाँ, और ये लोगो भी स्टैंडर्ड है सर, अंधेरे में चमकेगा। अच्छा, रेडियम रेडियम है इसमें। हाँ ओके, लोगो भी स्टैंडर्ड है। और उसके बाद अच्छा, एक एक कमी मुझे लग रही है इसमें, जैसे प्रिंटिंग इसमें आप जो दिखा रहे हो ना, वो जैसे टेक्स्ट प्रिंटिंग है सभी में। हाँ, तो कुछ ऐसा भी है जैसे कि भाई पूरे ऑल ओवर प्रिंट हो? दिखाता हूँ वो चीज़ भी आपको, दिखाता हूँ। इस तरह से बनेगा, देखिए जी, इसमें ये फुल प्रिंट टी शर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऑल ओवर प्रिंट। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, हर बार प्रिंट चेंज हो जाती है। समझो आज ये अवेलेबल है, इसका 7 प्रिंट का बॉक्स आता है, ये मतलब ये पैक आता है 7 पीस का। देखिए जैसे ये 7 पीस पैक है, इसमें हर प्रिंट अलग आएगी, साइज़ जो चाहिए वो कस्टमर ले सकता है। और ये फैब्रिक होजरी ही है? हाँ, होजरी फैब्रिक ही है, फैब्रिक का तो गारंटी आएगा सर। फैब्रिक में देखना नहीं है, एक बार खरीद लो मतलब फिर उसको देखना नहीं पड़ता है वो चीज़ को। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके की 7 प्रिंट है, बारीक प्रिंट है, बड़े हाँ, प्रिंट है, हर तरह के हैं ये 7 प्रिंट। 7 की आएगी पैकिंग? 7 की पैकिंग आएगी ये। अच्छा, 7 प्रिंट की पैकिंग आती है। ठीक है, हर बार इसमें क्या होता है, प्रिंट चेंज हो जाती है। समझो ये एक ही साइज, अलग अलग साइज आएंगे एक सेट? नहीं, एक ही साइज आएगी, साइज एक ही आएगा, 7 प्रिंट अलग आएगी, कस्टमर को साइज जो चाहिए वो मिल सकता है, पर वो सेट आता है पूरा 7 का। इसमें क्या होता है, कई बार लोगों ने एक मंथ बाद वीडियो देखा तो एक मंथ के बाद जो अवेलेबल होगी वो प्रिंट आपको दिखाई जाएगी। ओके, आप हमको कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाएगा, वो सारी प्रिंट आपके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको एक दूसरा सेट दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये लॉन्ग पॉकेट टी शर्ट है। अच्छा ठीक हाँ, है, इसका पैकिंग भी अलग है, वो शॉर्ट थी हाँ, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग पॉकेट टी शर्ट है, इसमें भी ये फुल प्रिंट आता है, ये साइड में पॉकेट रहता है, दोनों तरफ रहेगी पॉकेट, वन साइड पॉकेट रहेगा। okay. और इसके बाद ये कुर्ती की तरह साइड कट आता है। ओके okay. हाँ, जैसे उठने बैठने में आसानी हो। देखिए ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है हाँ, ये साइज बड़ा लग रहा है मुझे। हाँ, ये साइज है एल, स्टैंडर्ड साइज आएगा। जी, जी, ऐसे नहीं कि कोई भी आपने साइज ले लिया और कोई भी उसके ऊपर नंबर लगा दिया, वो चीज़ है ही नहीं, सब स्टैंडर्ड आएगा। एल का जितना साइज होता है उस हिसाब से, नंबर के हिसाब से प्रॉपर आएगा एल, अगर जितना होता है उतना ही पूरा आएगा। तो इसमें साइज क्या क्या मिलते हैं? और इसमें साइज मिलते हैं एल से लेकर ट्रिपल एक्सेल, एल एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल। अच्छा, ट्रिपल एक्सेल का एक रखना इसके साथ, कितना डिफरेंस है? ट्रिपल एक्सेल का एक पीस दिखाता हूं, इतना इसके कलर देख लेते हैं, प्रिंट भी देख लेते हैं। ट्रिपल एक्सेल का एक पीस दिखाता हूं, देखिए जैसे ये एल है, ये एक मैं आपको ट्रिपल एक्सेल दिखाता हूं। देखिए ये प्रॉपर ट्रिपल, इसके ऊपर ही रख देते हैं एक बार। हाँ, इसके ऊपर ही रख देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये ट्रिपल है इसका, ये देखिए लगभग ढाई ढाई तीन तीन इंच दोनों तरफ से। हाँ, तीन तीन इंच जो है बड़ा है नीचे वाला, वो ट्रिपल एक्सेल हो रही है। हाँ, उसके बाद ये इसके कलर आ जाएंगे। हाँ, ये इसके कलर से कलर और प्रिंट, जैसे इसमें भी ये 6-7 प्रिंट का सेट आता है। तो इसमें भी वही सिस्टम है? वही सिस्टम है, साइज जो चाहिए प्रिंट का सेट पूरा आएगा, सब प्रिंटें अलग होगी हर बार। ओके, ये सारे इसकी प्रिंट, ये सारे इसकी प्रिंट है। प्रिंट तो क्या है, प्रिंट हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, आज ये प्रिंट चल रहा है, कल दूसरा चल रहा है, तभी मैं वो बार बार बोल रहा हूँ
कि आज जो अवेलेबल होगा आज दिखाई जाएगी, कल जो अवेलेबल होगा कल दिखाई जाएगी। लेकिन कस्टमर को ज्यादा फोकस करना चाहिए जीएसएम कितना है, क्वालिटी कैसी है, साइज क्या है, बस वही है, इस पे फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैं अभी आपको एक मेरी अपकमिंग प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, बॉल बॉटम टाइप में पैंट है, ये भी स्ट्रेचेबल पे, ये अपकमिंग है, इसमें टाइम लग सकता है। ओके, ये देखिए बॉल बॉटम, बॉल बॉटम स्टाइल में देखिए, मैं ऐसे पूरा, पहले बहुत चलती थी सर, ये दोबारा ट्रेंड शुरू हो चुका है, पूरा ट्रेंड वापस से शुरू हो रहा है। बॉटम पता नहीं ऐसे कुछ बोलते, मैं नाम भूल गया, बेल बॉटम बोलते हैं, बेल बॉटम, बेल बॉटम, बिल्कुल। देखिए जैसे ये भी स्ट्रेचेबल पे है। ओके, हाँ, ये इम्पोर्टेड फैब्रिक है, पूरा फैब्रिक इम्पोर्टेड है, ये मेरे पास अभी सिर्फ सैंपल है तो फिनिश नहीं है ये। अच्छा, ये इसके ऊपर अभी फिनिश होगा जब माल रेडी हो जाएगा। ये तो आज अपना शूट है तभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये कितने दिन तक ये प्रोसेसिंग में आ जाएगा? ये एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। ओके, हाँ, एक हफ्ते के अंदर ये प्रोवाइड करा देंगे कस्टमर को। ठीक है, इसमें साइजेस क्या क्या होते हैं? इसमें साइजेस ये फ्री आएगी फिलहाल तो। अच्छा, ये देखिए पॉकेट है, लुपी दे रखी है, इसमें पॉकेट है, ये साइड में नॉट बांधने का है। ठीक है, कलर मिल जाएंगे इसमें? इसमें 7 से 8 कलर मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, देख सकते, ये एक्सेल तक आराम से आ जाएगा, ये वाला, ये एस से लेके एक्सेल तक कवर करेगा। ठीक है सर, इसमें एक दूसरा प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अपकमिंग है, ये भी अपकमिंग में है। ओके, ये भी बहुत शानदार है, जो स्पोर्ट्स वेयर के लिए, योगा के लिए, और गर्ल्स पहनती हैं। देखिए जैसे ये इसमें एक डिजाइनर पैटर्न, डिजाइनर पैटर्न हो गया, ये इम्पोर्टेड फैब्रिक के ऊपर है, लेग वैसे ही नेट, यहाँ पे नेट दे रखा है। हाँ, ये नेट है। ओके, ये नेट है, ये तो नेट के ऊपर इस फैब्रिक का ये कटिंग लूप ही लगा दिए। हाँ, अलग 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 जी, मतलब ये भी स्ट्रेचेबल है, ये देखिए, ये भी एस से लेके एक्सेल तक आराम से आ जाएगा, स्ट्रेचेबल, और ये फैब्रिक देखिए, ये मतलब फैशन, ट्रेंडिंग फैशन हो गया एक तरह से, काफ़ी अलग है, यूनिक है, ये यूनिक चीज़ है। पहले तो क्या था कि चाइना में से रेडी आ जाता था, जी जी जी, अभी तो चाइना में से रेडी आता नहीं है जी, अभी हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं इस टाइप की चीज़ें, और वो भी रेट में, ये सारी चीज़ें कस्टमर को रेट में मिलने वाली है। बिल्कुल, तो वो सोचेगा नहीं, उससे कम रेट में हम लोग बिठा देते हैं ये चीज़। बिल्कुल अमित भैया, आपने एक एक चीज़ हमने कोशिश करी बारीकी से कवर करने की। देखो, अब वीडियो बनाना या वीडियो दिखाना या एक यूट्यूब जो कि एक ज़रिया बन चुका है लोगों तक, घर घर तक वो चीज़ पहुंचती है, मैं तो व्यूअर से यही कहूंगा कि एक नॉर्मल वीडियो इसको ना समझें एक, क्योंकि जो असली मैन्युफैक्चरर होता है आज वो उसकी वीडियो देख रहे हैं। अगर यहाँ तक उन्होंने वीडियो देख ही लिया तो एक बार क्वेरी करने में भी उनका कुछ नहीं जाएगा जी। और क्योंकि रेट जैसे हमने डिस्क्लोज इसी वजह से नहीं करें, आप जैसे कि बता ही रहे थे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, उनको आगे सप्लाई चेन में दिक्कत आती है, पूरा सप्लाई चेन में दिक्कत आता है, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन रेट्स नहीं डिस्क्लोज करते हैं। तो रेट सभी के, जो चाहे कोई भी आए, बड़ा है छोटा है, सबके लिए बराबर ही रहते हैं? बिल्कुल, रेट बराबर ही रहता है। ओके, कस्टमर आए, माल परचेस करे, उनको यहाँ तक आना हो तो हमारी फैक्ट्री पे विजिट करें एक बार, तो उनको आसानी होगी माल देखने के अंदर, उनको ट्रस्ट बढ़ेगा। बाकी अहमदाबाद में और बहुत जगह लोग आते हैं एक दूसरे के, मैं फिर भी चाहूँगा कि अगर लेगिंग या लेगिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम, चाहे प्लाजो या कुछ भी हो, तो यहाँ पे एक बार विजिट करना ज़रूर बनता है। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आपकी हर पूरे अहमदाबाद में कहीं पे भी कोई भी कहेगा वहाँ से आप पिक एंड ड्रॉप कर लोगे? हाँ, हम लोग पिक ड्रॉप कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस वीडियो के लिए।